संगारेड्डी के कांग्रेस से रुकने संबंधी जयप्रकाश रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत पर आपसी प्रोजेक्टों में घोटाले करने का इल्जाम आयद किया। असम्बली के मीडिया पॉइंट पर अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर फैनांस हरीश राव ने जब वो वजीर आपसी थे आपसी प्रोजेक्टों में 5,000 करोड़ रुपए कमाए। सबक वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू पर वजीर बरखी जगदीश रेड्डी की तनकीदों पर जग्गा रेड्डी ने कहा कि वजीर बरखी की कोई औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम के बारे में एक लफ्ज भी कह सके। कल हम एक बात कहे थे, यह बात है कि तेलंगाना में जो प्रोजेक्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट एंड मिशन वगैरह में बहुत करप्शन हुआ, करप्शन को क्या बोलते हैं, रिश्वत करप्शन हुआ। हमारा कल शिफ्ट यह था, मैं कल कांग्रेस पार्टी के मीटिंग में उत्तम कुमार रेड्डी जी, हमारे कुमार रेड्डी और रेवंत भी थे और हमारे सीएलपी भी थे, हमारे थोड़े एमएलएस को इम्पोर्टेंट थोड़ा लीडर्स को कल गांधी भवन बुलाए। किसी के लिए किसकी वजह क्या बोले तो पार्लियामेंट चालू हो रहा, इसमें दो ओपिनियन बोला। एक ओपिनियन था ये मेट्रो ट्रेन मियापुर से वाया पडंचेरू संगारेड्डी तक मेट्रो ट्रेन होना, कहीं को बोले तो हमारा मेट्रो ट्रेन वहां का जिला हेडक्वार्टर है, वहां एक आईआईटी है, एक एमआरएफ या पडंचेरू में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बीएचएल इफ्रीसेट भी है, बीडीएल अर्नेस फैक्ट्री बहुत बिग कंपनीज है, बहुत कंपनीज है, ऐसा बहुत इंडस्ट्रीज है। डेली संगारेड्डी पडंचेरू हैदराबाद मेट्रो ट्रेन संगारेड्डी तक वाया पडंचेर से संगारेड्डी तक मेट्रो के लिए कोशिश करो बोल के एक बात बोला हमारा पब्लिक के लिए, संगारेड्डी पडंचेरू पब्लिक के लिए। दूसरी बात यह है कि तो मिशन भगीरथ में या इसमें तो कालेश्वरम का आज तक भी पानी तो नहीं है, मगर 3-4 लाख से कर्जा केसीआर साहब स्टेट आने के बाद कर्जा लाके पानी तो नया, मगर बहुत उसमें फ्रॉड हो गया, उसके ऊपर पार्लियामेंट में क्वेश्चन डालो। इसमें जो मेगा कृष्णा रेड्डी थे, मेगा कृष्णा रेड्डी मेरे हिसाब 2004 मैं रिसेंटली पेपर में पढ़ा, मेगा कृष्णा रेड्डी 6 साल में 30,000 करोड़ का मालिक बन गए, एक ओन हेलीकॉप्टर भी खरीदे, भी एक ओन फ्लैट भी है कहते, बीच में केसीआर साहब वही फ्लैट में देश पूरा फिर रहे कहते, खुद तो ये मेगा कृष्णा रेड्डी का रिकॉर्ड है। यह तो हम ये बोले, मैं ये कल मीटिंग में पूछा भाई मेगा कृष्णा रेड्डी एक मारुति कार से लेके 6 साल में मिशन भगीरथ का जो कॉन्टेक्ट है मेगा कृष्णा रेड्डी से, मतलब ये 3 लाख में से 30,000 करोड़ उसमें से मालिक बन गए बोल के इसका हमको डाउट आया। इसलिए पार्लियामेंट में उत्तम कुमार रेड्डी को ये बोला भाई कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मैं ये अभी इसमें मैं कल पूछा कि आप भाषण देते थे आंध्रा कॉन्ट्रेक्टर को भगाओ भगाओ बोलते थे, मगर आपको खुद सीएम बनने के बाद वही आंध्रा कॉन्ट्रेक्टर मेगा कृष्णा रेड्डी को 3 लाख का टेंडर कैसा दिए, 30,000 का मालिक कैसा बने, वही पैसा आप तेलंगाना में वोटों के टाइम पे खर्च कर रहे, वही पैसे से अपन वोटा डाल रहे, ये परेशानी है तेलंगाना।